सरगोधा के बाद रुक करते हैं चिन्हौट का, जहां पुलिस का जरायम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इस हवाले से मजीद जानते हैं बिग न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुर्रहमान से। जब जरमाना गाह की जगह मजीद क्या कहना था डिप्टी कमिश्नर का? जी बिल्कुल, चिन्हौट पुलिस का जरायम पेशा अनासिर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। डीपीओ चिन्हौट कैप्टन रिटायर मोहम्मद आमिर खान न्याजी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, चिन्हौट पुलिस ने डकैती राजनी चोरी के मुकदमात में मतलूब गैंग्स के 50 से ज्यादा मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान के कब्जे से 1,24,00,000 रुपए से ज्यादा मालियत का माल मसरूका नकदी घरेलू सामान बरामद कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से 26,00,000 रुपए से ज्यादा मालियत के माल मवेशी भैंस गाय वगैरह बरामद की गई है। मुलजमान के कब्जे से 35,00,000 रुपए से ज्यादा मालियत का ट्रक ट्रैक्टर मोटरसाइकिल बरामद किए गए। डकैत गैंग्स के कब्जे से 42,00,000 रुपए से ज्यादा मालियत का माल मसरूका तलाई जेवरात सोलर प्लेट से घरेलू सामान बरामद कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से 20,00,000 रुपए से ज्यादा मालियत के माल मसरूका नकदी बरामद की गई। मुलजमान के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नजायज असला गोलियां बरामद कर ली गई। डकैत गैंग्स में उमर उर्फ उमरी गैंग्स लंगा, उमर लंगू गिलोतर गैंग्स, अख्तर उर्फ अख्तरी गैंग्स शामिल है। मुलजमान साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। पुलिस ने डकैती राजधानी के 40 से ज्यादा मुकदमात जो है वो यकसू किए हैं। डीपीओ चिन्हौट ने माल मसरूका मुदियान के हवाले किया है। मुदियान ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। डीपीओ चिन्हौट का कहना है, लोगों के जान माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। जरैम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने का।